मैं आपके साथ आदि सिंह आजाद, स्वागत करती हूँ आपका केकेआर न्यूज में। भोपाल के डीला जमालपुरा निवासी दीपक मरावी पर किए गए परीक्षण के उपरांत मौत होने की खबर मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजय सिंह मृतक दीपक मरावी के परिजनों से मिलने पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने मृतक की पत्नी व तीनों बच्चों से बात की। श्रीमती मरावी ने पूर्व मुख्यमंत्री को बताया कि उनके बिना जानकारी के उनके पति को टीका लगाया गया। मरावी की पत्नी ने बताया कि उनके पति को कोई भी बीमारी नहीं थी, टीका लगने से ही उनकी मौत हुई है और उनकी मृत्यु के बाद शासन प्रशासन ने आज तक सुध नहीं ली। दिग्विजय सिंह ने मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि वे उनके परिवार की मदद करेंगे और स्वर्गीय दीपक मरावी के छोटे बेटे पवन के दिल में छेद है जिसका वे व्यक्तिगत रूप से इलाज करवाएंगे। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। अभी लॉकडाउन के बाद इन लोगों ने थोड़ा किराया भाड़ा भी नहीं दिया था ना, तो उसी के चक्कर में काम कर रहे थे, तो अभी बहुत महीने का चढ़ा भी हुआ है, अब तो बिल्कुल ही नहीं। सारी व्यवस्था में करा देंगे, इसका पूरा इलाज भी करा देंगे, तुम चिंता ना करो, ठंडी हो जाएगा, मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, सरकार को छोड़ो यार, तुम सरकार की बात, यहाँ तो सरकार कुछ नहीं है ना, तुम्हारे लिए क्या बात। रोज न्यूज वाले सब आ रहे हैं लेकिन कोई आज कोई सहयोग नहीं किसी चीज का। नहीं नहीं, तुम न्यूज की बात छोड़ दो, मैं आज की व्यवस्था घबरा नहीं बेटा, इन बच्चों को अपन पालेंगे, रोजगार भी जाएंगे। मैं तो ये चाहता हूँ इनके साथ पट्टे मट्टे का कुछ जो भी हो सकता है करूँ, बेहतर करेंगे, आपका चिंता हो जाए। एक बेटे के पास टेलीफोन है शायद, नंबर मेरे पास आ गया है तेरा, उस संपर्क में। क्या नाम है तेरा? रमेश। आकाश। आकाश, और तुम्हारा क्या नाम है? सूरज। सूरज, और इसका? पवन। वाह, सूर्य आकाश और पवन तीनों, ठीक है बेटा, तुम फिक्र ना करे, तेरा इलाज पूरे कराएंगे, तुम फिक्र ना करे बेटा। मैं निंदा करता हूं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर जिन्होंने रचना डिगरा ने जो ये बात उठाई थी उसको टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता दिया। मैं ये भी मांग करता हूं कि क्या कारण है कि गरीब मजदूरों को चुना गया उन्हीं पर प्रयोग के लिए, क्या वॉलंटियर्स नहीं मिलते? गैस पीड़ित लोगों को क्यों इसमें उनको एक प्रयोग के लिए चुना गया? ये हमारा युवा दीपक मरावी, मंडला का रहने वाला, उसकी पत्नी बैतूल के रहने वाली, तीन बेटे हैं, मासूम बच्चे हैं, मजदूरी करते हैं, आज तक प्रशासन का कोई आदमी देखने तक नहीं आया। निंदा करता हूं, शर्मिंदा होना चाहिए आप लोगों, इस तरह से आपने इनको एक गिनी पिग बना रखा है। मैं पूरे तरीके जिम्मेदारी लेता हूं इस परिवार के देखभाल की। उसके सबसे छोटा बेचा जो पवन है उसके दिल में छेद है, उसका हम लोग इलाज कराएंगे, ऑपरेशन कराएंगे और इस परिवार को भारत पोषण की व्यवस्था पूरी करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।